दोस्तों आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पेपर की नाव बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास देख सकते हैं, ये छोटा सा पेपर है इस तरीके से, और ये कॉपी वाला पेपर है। आप रंगीन पेपर ले सकते हैं, कोई भी पेपर ले सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे पेपर लेना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड ऐसे करना है कि बिल्कुल बराबर आपका पेपर होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे प्रेस करेंगे और फिर ऐसे प्रेस कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस साइड वाला जो पेपर है तो इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है, यहाँ पर। और ये जो कॉर्नर है ये सब बराबर होने चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और इस साइड का जब यहाँ पर जब बराबर हो जाएंगे तो यहाँ का भी एरिया जो है ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं बराबर हो गया इस साइड का भी और इस साइड का भी। क्या करना है, फिर इसको ऐसे प्रेस करके दबा देना है अच्छे तरीके से। ये वाला एरिया देख सकते हैं, इसको भी बराबर कर लेना है, देख सकते हैं बराबर हो गया। अब ये जो पेपर है, इस पेपर को यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है। जितना पेपर ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। और इसको फिर इस साइड से भी फोल्ड करना है, दोनों साइड से बराबर बराबर फोल्ड करना है ऐसे करके, ठीक है। अब फिर क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है, इस तरीके से ओपन करना है इसको, ठीक है, इसको ओपन करना है। जो ये पेपर निकला हुआ है इसको क्या करेंगे, एक के ऊपर एक लेयर करके ऐसे अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे और दूसरा वाला उसके ऊपर चढ़ा देंगे इस तरीके से। देख सकते हैं ये सब अंदर हो गया, एक्स्ट्रा नहीं रह गया। ऐसे ही इस साइड का भी करेंगे, इस साइड में लेयरिंग कर देंगे, ठीक है, ऐसे और ऐसे हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कुछ कैप लाइक बन गई है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से, देख सकते हैं ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, बिल्कुल आराम से फोल्ड कर देना है इस तरीके से। फिर जो है इसको अपोजिट में ले जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, ऐसे फोल्ड करेंगे, बराबर फोल्ड हो गई। और जस्ट इस साइड का भी ये पोर्शन जो है इधर को करेंगे, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर देंगे, ओके, ये देख सकते हैं फोल्ड हो गया। उसके बाद फिर से फोल्ड करना है, जब तक ये फोल्ड होगा तब तक हमको इसे कंटिन्यू फोल्ड करना ही करना है, ठीक है, इस तरीके से। बहुत ही अच्छी और प्यारी नाव बनेगी। वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है, ये बराबर होगी। उसके बाद एक और फोल्ड दे देना है, जब तक छोटी हमारी नाव बनेगी काफ़ी अच्छी बनेगी। बड़ी बनानी है तो बड़ी भी बना सकते हैं, ठीक है, इसके यहाँ तक फोल्ड हो जाए वहाँ तक फोल्ड करते रहना है। देख सकते हैं हमारी नाव इस तरीके से फोल्ड हो गई। अब हमारी नाव बनकर हो गई है तैयार। दिखाते हैं आप लोगों को, इस साइड का एरिया क्षेत्र निकाल लिए, इस साइड का देख सकते हैं बाहर की तरफ, और इस साइड की ये जो है इसे पकड़कर इसे खींच लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये रही हमारी नाव, और एक हमारी ये पहले वाली रखी हुई है और ये दूसरी वाली नाव हो गई, ठीक है। तो दो नाव हो गई हैं रेडी, देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग पेपर से मैंने बनाया है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, और सब एक जैसी लग रही हैं, देख सकते हैं बराबर एक जैसी साइज की लग रही हैं, ठीक है। तो पानी में डालकर भी उन्हें चला सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग।